गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हमने लेसन 18 वन एट अ टाइम न्यू वर्ड्स को देख लिया है, मतलब उसका हिंदी मीनिंग जान लिया है और उसकी जो स्टोरी दी हुई है स्टोरी के बारे में भी जान चुके हैं। अभी हम लोग लेसन 18 का एक्सरसाइज 1 जो आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन है वो कंप्लीट करेंगे। तो देखिए, फर्स्ट एक्सरसाइज है आपका क्वेश्चन आंसर, और क्वेश्चन आंसर में मैंने सिर्फ आंसर लिखा है, आप क्वेश्चन अपने बुक से लिख लेंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, व्हाट वाज मोहन डूइंग एट सनसेट। आंसर होगा, मोहन वाज वॉकिंग डाउन द बीच एट द सनसेट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डिड ही सी ऑन द बीच, उसने समुद्र के किनारे क्या देखा। आंसर होगा, ही शो ऑन द बीच दैट ए मैन इन द डिस्टेंस रिपीटेडली बेंडिंग डाउन पिकिंग समथिंग अप एंड थ्रोइंग इट इन टू द वाटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है सी, क्वेश्चन है व्हाई वाज मोहन पजल, मोहन क्यों अचंभित था। आंसर होगा, मोहन वाज पजल्ड टू सी द मैन वाज पिकिंग अप स्मॉल फिश दैट हैड बीन वॉश्ड अप ऑन द बीच एंड वन एट अ टाइम ही वाज थ्रोइंग देम बैक इनटू द वाटर। नेक्स्ट क्वेश्चन डी, व्हाई वाज द मैन थ्रोइंग द फिश बैक इनटू द वाटर, मोहन मछलियों को पानी में वापस क्यों फेंक रहा था। आंसर होगा, द मैन वॉज थ्रोइंग द फिश बैक इन टू द वाटर टू गिव देम लाइफ, इफ ही डजंट थ्रो देम बैक इन टू द सी दे विल डाई अप देयर फ्रॉम लैक ऑफ ऑक्सीजन। तो ये आपका क्वेश्चन A to D था, एक बच गया वो हम लोग बाद में देख लेंगे। थैंक यू।